बज गए हैं शाम के 5 और अभी देखो कोई नहीं है ग्राउंड में। और अभी 10 या 15 मिनट बाद ये ग्राउंड ऐसा भर जाएगा ना, जैसे गौचर मेला नहीं होता है अगस्त मुनि मेला, तो कैसे भरा रहता है उस टाइम पे वो ग्राउंड। तो वैसे ही कुछ देर बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पूरा इलाका ऐसे भर जाता है कि पता चलता है कि यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग रहते हैं और दिन में ऐसे सुनसान रहता है। और फिलहाल वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पे मम्मी का। मम्मी ना इतना टाइम लगाती है तैयार होने में कि मतलब कोई नई नवेली दुल्हन भी नहीं लगाती होगी, बताओ। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं, यहाँ पास में सुनने को मिला है कि एक चाय बागान है, बहुत अच्छी जगह है, मतलब ऐसे 2-4 लोगों ने हमको बताया था, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे जाएं जब पास में ही है और शाम का टाइम भी है हम लोगों के पास, घूमने हम लोग हमेशा जाते ही हैं, मार्केट जाते हैं, तो आज हम लोग वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कैसी जगह है। यहाँ देखो मम्मी, देखो कहाँ पे टांग रही है चाबी पे, यहाँ पे नहीं यहाँ पे टांगते हैं इसको। फिलहाल सीमा द्वार से 2 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग आए हुए हैं चाय बागान। हमने बहुत सुना, 2-4 लोग कह भी रहे थे कि आप लोग जाओ उस इलाके में घूमने के लिए। हालांकि हमारे पहाड़ों के कंपैरिजन में ये ऐसी जगहें तो मतलब बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि मैंने पूछा आसपास कोई अच्छी जगह है तो सबने कहा चाय बागान जाओ। लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे तो हमारे घर की तरफ तो ऐसी जगह नॉर्मल होती है और कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये बढ़िया है। और इस इलाके में देखिए लोगों के गाय भैंस चरने के लिए आ रखे हैं, ये तो बैल हैं, और यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिल रही है कि जर्सी गाय ज़्यादातर लोगों की हैं। और मम्मी चल रही है आगे आगे, लेकिन रास्ता ठीक ठाक होना चाहिए था इसको, यहाँ पे डामरीकरण नहीं हुआ है इस रोड पे, इसलिए बारिश की वजह से कीचड़ कीचड़ हो रखा है। आजकल बरसात है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा झाड़ियाँ झाड़ियाँ लग रही हैं, लेकिन सुनने में आया है कि नहीं तो यहाँ पे बहुत अच्छी जगहें हैं आसपास, अच्छा लगता था, लेकिन बरसात है तो सब कुछ झाड़ी झाड़ी सा लग रहा है। और यहाँ पे बच्चे भी घूम रहे हैं साइकिल में, हेलो। और मम्मी चल रही है आगे आगे, मेरे लिए रुक नहीं रही है पीछे। ओ वाह, यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ है, ये बतख जन है ना कुछ, ये कौन सी चीज़ है, क्या बतख था पानी में रहना, बहुत प्यारी चीज़ है ये। चलिए पास पास से ये कैमरा का रही, इधर सीधा रख, सीधा देखो उधर, ये उड़ाना छे नु, बहुत सारा छे नु उधर, ओ छी छी मता जी लोग पता ही अग्गी लगी लमा, हां और ये था ओ उड़ाना छे ने, ओ ये तो वा छे नु चाहे, जो चीज हमने अभी तक देखी थी वो उड़ रही है उधर देखो। जैसे कैमरा यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो इंसान उधर है, कैमरा यहाँ के लिए करती रहती है ना मम्मी, ना ना ते मध्य खोल रही है पंडित जी, कैमरे पे देखना पड़ता है वही तो, कहाँ मैं कहाँ कैमरा। आ जा, अब मैं दिखाती हूँ आपको आसपास, हम मुख पर ले लेती है तो देख रही नहीं कैमरा फिर से। यहाँ पे बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पे लोग कहते हैं कि ये चाय बागान है, मम्मी कैमरा पर देख यार, यहाँ ये चाय बागान दिख रहा है, ये बहुत बड़ा इलाका चाय बागान का है, मतलब हम बीच में नहीं जा सकते क्योंकि बरसात है ना बहुत ज्यादा, तो कीचड़ कीचड़ से हो रखा है, तो मेरे को तो खराब भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे गाजर घास भी है, लेकिन यहाँ पे अच्छी जगह है, मतलब काफी खुला इलाका है। कंपैरिजन करेंगे ना अगर हमारे घर के मुताबिक, मतलब अगस्त मुनि में है, मतलब हमारे पहाड़ों में, तो वहाँ पे तो ऐसी जगह लोकल देखने को मिलती है, कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से, यहाँ के लोगों के हिसाब से बढ़िया है, मतलब यहाँ गाड़ी ले जाने लायक यहाँ पे रोड उतनी खास थी नहीं पीछे, लेकिन यहाँ पे तो ठीक लग रहा है ना, ले आनी चाहिए थी हमको लेकिन नहीं लाए हम, चलो कोई बात नहीं घूमने आए हैं तो पैदल ही चल लेते हैं, तो पैदल चल रहा थी। खैर मैं यहाँ देहरादून में जब से आई हूँ मैं गाड़ी चलाती भी नहीं हूँ, आज दूसरा दिन है कि मैं गाड़ी लेके आई हूँगी। चाय बागान चला, चाय बागान ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहले तो मुझे डर लग रहा है, इतने बड़े जंगल, इतना लंबा जंगल मैंने आज तक नहीं देखा, और यहाँ पे बीच में किसी का घर है, तो मतलब इतने बड़े जंगल के बीच कैसे रह सकता है कोई, जंगल घर मु, अच्छा कुछ होता कोई ना कोई। मम्मी कह रही है कि हमारे, मतलब जो हिंदी बोलते हैं जो लोग वो समझ नहीं पाएंगे कि हमारा भी तो ऐसे ही था, अपना लगता नहीं है ना, अपना भी था हमारे अकेली जगह पे, गांव में घर है जो अकेली जगह पे है, तो अपना नहीं लगता ना क्योंकि वहाँ पे तो जिंदगी भर रहे हैं हम लोग। क्या ये तो सड़क बीच सड़क सड़क कुछ नहीं कोई ना, दी तरह बेगद रहे ना। हाँ भाई तो और भी भयंकर हुई हूँ। अच्छा यहाँ पे स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरबंसवाला विकासखंड रायपुर और देहरादून, तो यहाँ पे ये स्कूल है। इस स्कूल को देख के मुझे अपने घर की याद आ रही, गांव में वहाँ पे भी ऐसी जगहों पे एक स्कूल हुआ करता है बीच में, है ना, चौरियो चौरियो स्कूल, अंजलि का NSS कैंप लगा था जब वो 11वीं पढ़ती थी ना, तो उसका कैंप लगा था, तो यहाँ पे बच्चे भी बैठ रखे हैं काफी, मतलब ये इलाका लोगों के घूमने के लिए है ना शायद, तो काफी लोग आ रखे हैं घूमने के लिए।
सब कह रहे थे कि यहाँ पे चाय बागान है, तो हमने ऐसी चीजें देखने को मिल रही है बीच बीच में। मम्मी चाय पत्ती होने आई हो ना, वो तो बीच में वो चीज घास वही तब पता नहीं चलो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चाय पत्ती ही होगी, क्योंकि मम्मी को कहाँ से पता होगा, मम्मी ने कहाँ देखी, तो असम गई थी कभी तो कितनी कभी देखी थी आस पास में। अरे चाय पत्ती नहीं है। हाँ। यू, 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 घास यू नीचे युद्ध सूर्य बुद्ध सूर्य पता नहीं ये, और ये है पूरा चाय बागान जिसको मम्मी कह रही थी कि नहीं ये घास है, और मैं कह भी रही थी कि घास क्यों बोएंगे ऐसे, लेकिन जो ये पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरा चाय बागान है और बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है। वहां से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ तक पूरा ये चाय बागान है यहाँ भी। गाय भी आ गई, हो सकता है गाय इसकी पत्तियों को नहीं खाते होंगे और वो जो बीच में एक्स्ट्रा घास है उसको खा रहे होंगे। बीच बीच में ऐसा रास्ता है और रास्ता चला जाता है दूर तक जहाँ पे होगा बागान, पूरा लंबा जा रहा है ये रास्ता। मतलब अच्छा चिड़िया। हाँ, हाँ। मम्मी कह रही है कि यहाँ पे वो चिड़ियाएं बहुत सारी हैं जिसको मैं बतख बोल रही थी पीछे। तो हमें एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे जो चाय पत्ती का बागान है वहाँ पे गाय है बीच में, तो क्या गाय नहीं खाती? यहाँ पे आंटी जी हैं। आंटी जी प्रणाम। यहाँ पे आंटी जी हैं, तो ये चाय बागान है यहाँ पे, तो मतलब जो गाय नहीं खाती इसको पत्तियों को? नहीं, ये तो खाली बेले खाती है बस। अच्छा, वो बेल खाती है बस। हाँ, ये जैसे चाय पे बेल हो जाती है। अच्छा, तो ये गाय इसलिए है यहाँ पे, जो बेल होती है चाय पे वो खाती है बस, अच्छा पत्तियाँ नहीं खाती। तो ये पूरे इलाके में फैला हुआ है ना यहाँ पे जी। अच्छा ठीक है ठीक ठीक है। हाँ, तो हमारी एक प्रॉब्लम थी, हम लोग ये सोच रहे थे तब से कि यहाँ पे इतनी सारी गाय है क्या पत्तियाँ नहीं खाती होंगी, तो हमारा जो असमंजस था वो खत्म हो गया है। और जो चाय पत्ती पे जो बेल आती है ना, जो घास होता है कूड़ा करकट, तो गाय बस उनको ही खाती है। निकाली गई थी खाना, पेट भरी ना। अच्छा, तो फाइनली समय आ चुका है यहाँ से वापस जाने का, हल्का अंधेरा भी होने वाला है। तो मम्मी की इच्छा थी, बहुत दिन से बोल थी चाय बागान चाय बागान, पता नहीं किसके पास सुना है मम्मी ने, किसके पास सुना मम्मी? अरे वो बना था चाय बागान वाला। अच्छा, तो मम्मी की जो दोस्त बनी हुई है उन लोगों ने कहा होगा घूमने जाना, तो बात बनी। हाँ, तो पास में ही है, वहाँ से बस 2 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग आ चुके हैं, अब वापस जाते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए यही है वो जिसकी हम बात कर रहे थे, छोटे छोटे बतख। और अब मम्मी कुछ फेंक दो था, वो उड़ जाना अपना थोड़ी अब पता, छोटे छोटे ढूंढ फेंक दो, ये उड़े उड़े उड़े। इतने बड़े चाय बागान के बीच हमें दिख रही है वो सामने 400 साल पुरानी हवेली। ये जो सामने कपल है ना, उसको देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है। तन्हा तन्हाइयों में जाने मन, मैंने अक्सर तुम्हें पुकारा है। हंस ले, वाह वाह वाह। और इसी हवेली की मैं बात कर रही थी जो कि हम पास से देख रहे हैं अभी, और कितना अच्छा स्ट्रक्चर है इसका, है ना, ईंट लगा रखे हैं इस पे। और मम्मी कुछ बोल रही थी चाय वाली बात। चाय बड़े थे। अरे चाय चाय हम दादा दे रही अंग्रेज चले आगा चाय छोड़ी हमारे बिगर चाय सुबेरी नहीं बंदी। इसी के बगल में एक दूसरी हवेली भी है, उसको भी हम पास से जाके देखेंगे। मुझे तो ऐसी जगहों पे जाने में डर भी लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे होता है ना 400 साल पुरानी हवेली में था एक रहस्य, 400 साल बाद निकली एक आत्मा। हम गलत गए। मैं ना कर यार, मैं डर गई। अरे अरे रामो, मम्मी को अंग्रेजों पे दया आ रही है देखो। हाँ
वाह, देखिए कितना अच्छा ग्राउंड है यार। इसकी छत देखिए किस तरह से टूट गई है। हाँ, ये अंग्रेजों के ही डिजाइन है, मतलब जिस तरह से इसका स्ट्रक्चर है वो काम अंग्रेज ही करते थे ऐसे। चलो यहीं से बाहर चले। अब बाघ और काट लेना वो घर देख, है ना, डर लगता है ना ऐसी जगहों पे यार। अरे कोई डर नहीं, क्यों ये सब वहम है। मम्मी तो खतरों के खिलाड़ी। अगर अगर किसी इंसान को मतलब किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ के बहुत सारे रहस्य होंगे और किसी को भी डर लगता होगा, कृपया हमें कॉन्टेक्ट करें और मेरी मम्मी को साथ ले जाएं। भूत वूत सब ऐसी हो जाएंगे, है मम्मी, भूत वूत से मम्मी से डर जाएंगे अगर उसने मुंह बनाना शुरू कर दिया ना ऐसे वाला, जो मतलब मेरी मम्मी की जैसे फोटो खींचने लग जाओ ना। अगर नॉर्मली हम लोग मम्मी की फोटो खींचते हैं ठीक लगती है, लेकिन जैसे मतलब अगर नॉर्मल रहेगी, लेकिन जैसे कैमरा लेके जाओ करती है अजीब तरह का मुंह बनाती है तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। चलिए फिर समय आ चुका है आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।